जय हिंद प्यारे दोस्तों। मेरे कमेंट सेक्शन में दोस्तों काफी ज्यादा मैसेज आ रहे थे कि जो दिल्ली सरकार में रिक्रूटमेंट आउट हुई है, 8वीं पास के लिए कौन सी है, 10वीं पास के लिए कौन सी है, 12वीं पास के लिए कौन सी है, तो वो सब कैंडिडेट इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज की वीडियो में हम समझेंगे कौन 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 सी पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, कब से अप्लाई करना है, क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आपको अप्लाई करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी बातें एडवर्टाइज बताई गई हैं सारे अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो DSSB के थ्रू रिक्रूटमेंट नोटिस आउट हुआ है, यानी कि दिल्ली सरकार में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, पक्की सरकारी नौकरी है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट कौन अप्लाई कर सकता है, बढ़िया वाली पोस्टों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप 10th पास हैं, आपके पास कोई भी टेक्निकल फील्ड नहीं है, यानी कि दोस्तों ना आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया, ना आपने कोई डिप्लोमा किया, और आप अप्लाई करना चाहते हैं दिल्ली सरकार के अंतर्गत, तो कौन सी पोस्ट है आपके लिए? तो स्टोर असिस्टेंट यानी कि स्टोर अटेंडेंट की पोस्ट आउट हुई है, जिसमें 10th पास मांगा गया, उसमें लिखा गया कि भाई आप साइंस में पास होने चाहिए, जब आपने 10th की थी तो साइंस में आप पास होने चाहिए। उसके साथ साथ नीचे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में लिखा है कि ITI भी की होनी चाहिए। अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज आ रहे हैं कि सर इसमें तो ITI भी मांगा गया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मस्ट होते हैं, जिसमें 10th पास लिखा गया है, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन प्रेफरेबली होती है जिसमें ITI लिखा गया है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए, अगर आपने नहीं भी की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं एज की, तो कम से कम 18 साल, ज्यादा 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। और सैलरी की बात करो तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, जो लगते ही 20 से 25 हजार आपकी सैलरी बनेगी। टोटल पोस्टों की बात करो तो 6 टोटल पोस्ट है। अगली पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, इसमें 10th पास सेम मांगा गया है, लेकिन प्रेफरेंस दी जाएगी ITI वालों को। असिस्टेंट स्टोर कीपर पोस्ट का नाम है, टोटल पोस्ट है 5, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1900 के ग्रेड पे सैलरी मिलेगी, 18 से 27 साल एज होनी चाहिए। काफी अच्छे से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने 8वीं पास वाली पोस्ट के लिए, बच्चे इसमें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, ये चीज जल्दी से समझना। टेलर मास्टर की पोस्ट आउट हुई है, टेलर मास्टर की ये जो पोस्ट है इसमें 8वीं पास मांगा गया है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ये जरूरी है दोस्तों। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ 8वीं पास मांगा गया है, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए। 18 से 35 साल एज चलेगी, 1900 ग्रेड पे सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों बात करते हैं कब से कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 28 जुलाई 2022 को लिंक ओपन हो जाएगा DSSB की ऑनलाइन वेबसाइट पे, और 27 अगस्त 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटर्न एग्जाम कंडक्ट आपका जरूर होगा, उसके भी आप पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और आपको ऑनलाइन पता चल जाएगा आप सिलेक्टेड हैं या नहीं है। तो पक्की सरकारी नौकरी दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, असिस्टेंट स्टोर कीपर और स्टोर अटेंडेंट की जो ये पोस्ट है, इसमें आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में। जो हमारी अगली पोस्ट की बात करिए, टेलर मास्टर की जो पोस्ट है, इसमें आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी दिल्ली प्रिजन में, यानी कि आपने तिहाड़ का नाम आपने सुना होगा, वहां भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, प्रिजन डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी बेसिकली। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।